दिस इज पेज नंबर वन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड देन लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहले हम ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन हम लोग देख ले रहे थे, ठीक है। नाउ देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, या फिर सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हम देख रहे हैं यहां पे, ट्रांसवर्स वेव। तो इसमें दो केस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। आज की क्लास शेयर करेगा अदिति, एक तुम शेयर करना बेटा अदिति। ओके सर। एंड आयुष सहारे तुम इंदौरा से शेयर करना, इंदौरा में, ठीक है आयुष सहारे। आयुष सहारे सर तुम शेयर करना इंदौरा में आज की क्लास। हाँ सर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, पहली कंडीशन ये है यहां पे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड मतलब क्लोज बाउंड्री से अगर रिफ्लेक्शन होता है, क्लोज्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड या फिर क्लोज्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड और क्लोज्ड बाउंड्री एक ही बात है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड और क्लोज्ड बाउंड्री, ठीक है। मतलब सिचुएशन ये है कि यहां पे आपने वेव लिया और ये वाले एंड को आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई रॉड है और ये एक स्ट्रिंग है, एंड सपोज एक वेव पल्स जिसमें ये कि क्रिस्ट भी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे जा रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट वेव। बेसिकली ये एक इंसिडेंट वेव है यहाँ पे जो रिजिड एंड की तरफ जा रही है, मतलब स्ट्रिंग को आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को बांध के रखा है, तो ये इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट वेव पल्स है, और जब ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स्ड है, देखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड और क्लोज बाउंड्री और फ्रॉम फिक्स्ड एंड और फ्रॉम फिक्स्ड एंड, यहां पर का एंड फिक्स्ड है, तो जब ये वेव यहां पे जाएगी तो जब रिफ्लेक्ट होगी ये वेव तो ये अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी क्रिस्ट गया था तो ट्रो लौट के आएगा। मतलब अगर रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो फिर फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है यहाँ पे, दिस इज द फेज डिफरेंस इज आई, ये फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के बीच में, ये इंसिडेंट वेव है और ये है रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट वेव पल्स या इंसिडेंट वेव बोलोगे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो अगर क्रिस्ट गया तो ट्रू आएगा, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। अब यहां पर मान लो कि ये जो डायरेक्शन इधर का, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा आप, इंसिडेंट वेव इक्वेशन इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, और जब रिफ्लेक्टेड वेव की आप इक्वेशन लिखोगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, मैंने यहां पर इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है इट इज ए आई और रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है इट इज ए आर, कुछ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ड्यू टू लॉस ऑफ सम एनर्जी, सो इन रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहां प्लस साइन क्यों आ गया क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, एंड प्लस पाई,
तो एक एडिशनल फेस क्रिएट हो गया पाई का, इसलिए यहां पे आप क्या और ऐड कर दोगे, पाई और ऐड कर दोगे। तो जब रिजिड एंड से या क्लोज्ड एंड से या रिजिड बाउंड्री से कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट होता है, पाई का फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन और ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, देखो वेव स्पीड चेंज नहीं होगी, वेव स्पीड वही रहेगी क्योंकि मीडियम वही है, सब कुछ वही है, तो वेव स्पीड वही रहेगी। वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिमेन्स द सेम, वेव स्पीड फ्रीक्वेंसी ये सब सेम रहेगी लेकिन फेस बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल गया यहाँ पे, अभी समझ गए कि नहीं। तो ये वेव पल्स या वेव इस डायरेक्शन पे गई, यहाँ पे रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी तो कितने का फेस डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में पाई का। तो इंसिडेंट वेव इक्वेशन ये लिखे, रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन ये लिखे, बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और साथ में मैंने यहाँ पे एक एडिशनल फेस डिफरेंस लिखा दैट इज पाई। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? यस सर। हाँ सर, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिया। देखो इसका रीजन ये है कि जब ये वेव पल्स यहां पे जाएगी तो यहां से तो फिक्स है, तो जो वेव है वो फोर्स यहाँ पे नॉट पे ऊपर की तरफ लगाएगी और जो नॉट है या जो रॉड है यहाँ पे फिक्स बाउंड्री वो नीचे की तरफ लगाएगी, इसलिए यहाँ पे पहुंचने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी वेव तो अगर क्रेस्ट गया है तो क्या आएगा, ट्रू रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री, स्क्रीन शॉट ले लिए ना इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लिए? यस सर। ठीक है, अभी पेज नंबर टू, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। दूसरा बोलो सर, अगर ट्रू जाता तो फिर वेव ऊपर से रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट वापस आता क्या? हाँ, अगर नीचे ट्रू जाता तो फिर यहाँ पे क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होके आता, ठीक है? यस सर। ओके, ओपन एंड या फिर ओपन बाउंड्री लिखोगे, दिस इज ओपन बाउंड्री, या फिक्स्ड की जगह में यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्री एंड लिखोगे। मतलब यहाँ पे आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एक स्मूथ रिंग यहाँ पे आपने लगा दिया है, ये ऐसा, तो यहाँ पे फिक्स नहीं किया आपने, इसमें एक रिंग यहाँ पे लगा दिया, दिस इज सम रॉड। अब आपने वेव पल्स यहाँ से दिया तो ये इंसिडेंट वेव है, और जब ऐसी सिचुएशन होती है, देखो ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन भी इसी तरह से बनेगी, तो ओपन बाउंड्री ये जो रिंग लगा हो ना यहाँ पे, दिस इज फ्री एंड, बेसिकली ये फ्री एंड है, तो ये वेव यहाँ पे जाएगी, तो जब ये पल्स यहां तक पहुंचेगी तो ये रिंग क्या फिक्स तो है नहीं, तो ये रिंग ऊपर उठ जाएगा। अरे भाई ये जैसे यहां पहुंचेगा ये रिंग भी ऊपर उठ जाएगा ना। हेलो। यस सर। हाँ सर, है ना, रिंग ऊपर उठेगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर आपको वेव कैसी दिखाई देगी, जब रिफ्लेक्शन होगा तो अगर क्रेस्ट गया है तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वेव का क्रेस्ट ही वापिस आएगा, ठीक है। एंड हाँ, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होगा रिफ्लेक्टेड वेव में, सो इट इज ए आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या यहाँ पे, फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या, फेज डिफरेंस इज जीरो, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में यहाँ पे फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो जब फ्री एंड या ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो फेज डिफरेंस जीरो रहेगा, बाकी वेव इक्वेशन आप ऐसी लिखोगे, यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं आएगा पाई, हाँ ये माइनस किया गया, यहाँ प्लस साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन बस चेंज होगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। हाँ सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए? एंड देन पेज नंबर थ्री,
Now this is page number 3. इसमें reflection and transmission दोनों अपन देख रहे हैं. Reflection and transmission होंगे ये. Reflection and transmission. Reflection and transmission of transverse wave. Reflection and transmission of wave. And there are two cases here. Case one and then case two. ठीक है देखो यहां पे पहला है रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज्ड एंड एंड इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड या फ्री एंड आप जिसको बोलते हैं. तो सपोज यहां पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूं. ये पतली स्ट्रिंग है और यहाँ पे जंक्शन है और इधर पे आपने एक मोटी स्ट्रिंग लगा दी जिसकी थिकनेस यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है थिकनेस ज्यादा है तो दो अलग अलग स्ट्रिंग आपने लगा दी है यहाँ पे. ये तो देयर आर टू स्ट्रिंग्स. अब मान लो यहां से कोई वेव पल्स इस तरह से जाती है विद स्पीड v1. तो ये पतली स्ट्रिंग है और ये मोटी स्ट्रिंग है ना. तो यहां पर वेव की स्पीड ज्यादा रहेगी. यहां पर वेव की स्पीड क्या रहेगी कम रहेगी क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में आता है ना वेव स्पीड के लिए. तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये वेव इस तरह से इंसिडेंट होके गई. अगले डायग्राम पे ये इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे. ठीक है तो जो ट्रांसमिटेड वेव है ये ट्रांसमिटेड वेव इस तरह से चली जाएगी और जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये इस तरह से आएगी v1 स्पीड से. तो यहां पे जंक्शन था ये वेव पल्स इधर पे गई. यहां पे पहुंचने के बाद ये ट्रांसमिटेड वेव है और ये रिफ्लेक्टेड है. सो दिस इज द इंसिडेंट वेव पल्स. दिस इज ट्रांसमिटेड वेव पल्स एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव पल्स. समझ गए एक इंसिडेंट एंड एक रिफ्लेक्टेड एंड एक ट्रांसमिटेड. तो ये इंसिडेंट वेव पल्स है या थिक स्ट्रिंग है. मतलब जो वेव स्पीड है लिसन v1 इज ग्रेटर देन v2. मतलब ये वाला जो मीडियम है ये रेयरर मीडियम है वेव के लिए और ये मीडियम कौन सा कहलाएगा डेंसर. तो कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा डेंसर है ये किस बात से पता चलेगा वेव स्पीड से पता चलेगा. जिस मीडियम में वेव की स्पीड ज्यादा रहेगी वो मीडियम कौन सा रहेगा रेयरर रहेगा. ठीक है ना. तो ये मीडियम कौन सा हो गया इसका दिस इज द रेयरर मीडियम और ये वाला मीडियम कौन सा हो गया इसका डेंसर. तो ट्रांसमिटेड वेव में फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. रिफ्लेक्टेड वेव में यहां पर फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा पाई का होगा. समझ गए कि नहीं. अरे समझ गए या नहीं सर. हाँ बोलो सर. जो इंसिडेंट वेव रहेंगी और रिफ्लेक्टेड वेव उन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेंगी. नहीं ना. हाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की सेम रहेगी क्योंकि वो तो उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही ना. बट सर क्योंकि उसने कुछ ट्रांसमिट की है वेलोसिटी तो उसका मतलब कोई एनर्जी दी है ना. ट्रांसमिट करेगी तो एनर्जी चेंज होगी उसका एम्पलीट्यूड बदलेगा. एम्पलीट्यूड में यहाँ पे अलग अलग एम्पलीट्यूड बनेंगे. तो जो पावर है इंसिडेंट पावर एम्पलीट्यूड बदलेंगे ना. ठीक है तो हाँ सर हो गए पावर ऑफ इंसिडेंट वेव. सो दिस इज पी डिनोट्स फॉर पावर पी आई. ये क्या है यहाँ पे पावर ऑफ इंसिडेंट वेव is equals to power of reflected wave plus power of transmitted wave. समझ गए. हाँ सर. इस पावर अलग चीज हो गई और स्पीड अलग चीज हो गई. कम स्पीड में देखो स्पीड ज्यादा भी है तब भी कम पावर हो सकता है. तो पावर इज डिफरेंट थिंग. या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन सोच लो कि इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है दैट इज सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव. समझ गए. हाँ सर. ओके तो इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड पावर. तो वेव स्पीड वही रहेगी. वेव स्पीड वही है तो फिर वेवलेंथ भी वही है. फ्रीक्वेंसी देखो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी यहां पर भी वही फ्रीक्वेंसी आएगी.
हाँ एम्पलीट्यूड बदल जाएंगे यहाँ पर के केस पे, ठीक है। हेलो यस सर, अरे समझ गए, एम्पलीट्यूड बदले और ट्रांसमिटेड में वेव स्पीड बदलेगी तो ट्रांसमिटेड में वेवलेंथ भी बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। अब दूसरा रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओपन एंड, तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ, डेंसर मीडियम से हुआ, मतलब ये कहलाएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लोज एंड। अब दूसरा केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये डेंसर मीडियम है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया, दिस इज वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, ठीक है, यहां से कोई वेव पल्स आ रही, मान लो ये, तो ये वाली स्पीड है वी टू, क्योंकि ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, तो ये इंसिडेंट वेव ये है यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट वेव पल्स, और जब बाउंड्री पे पहुंचेगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स इसी तरह से आएगी, इसकी स्पीड यही रहेगी, और ट्रांसमिटेड वेव ये वाली रहेगी, ये इधर चली जाएगी वी वन, यहां पर भी वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये कौन सी वेव है, दिस इज रिफ्लेक्टेड, और ये कौन सी हो गई यहाँ पे, दिस इज ट्रांसमिटेड। तो इसमें देखो ये वाले केस में ट्रांसमिटेड वेव में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, और इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड में भी कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, किसके साथ में, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के साथ में कोई फेज डिफरेंस नहीं, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के साथ में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए ये कि नहीं, हेलो समझ गए इतना, समझ गए हाँ, कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर, ये किस बात से डिसाइड होगा, वेव स्पीड से, ठीक है, रेयरर एंड डेंसर, रेयरर एंड denser medium is decided by wave speed से rarer और denser decide होगा, if speed is large then medium is rarer, if speed is more then medium is rarer, ठीक है, तो रेयरर और डेंसर ये किससे डिसाइड होगा, वेव स्पीड से डिसाइड होगा, कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा डेंसर है, सो दिस इज द रेयरर मीडियम हियर एंड दिस इज द डेंसर मीडियम, अभी समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए ये, हेलो सर, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में पाई का डिफरेंस होगा ना, नहीं देख, अगर रिफ्लेक्शन ये डेंसर मीडियम इधर पे यहाँ पे वेव आ रही है तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा, ट्रांसमिटेड में दोनों केस में नहीं होता, लेकिन जब वेव डेंसर से आ रही रेयरर की तरफ तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होगा कुछ ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पे डेंसर टू डेंसर में रिफ्लेक्शन हो गया तो फिर फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब डेंसर मीडियम से वेव आ रही है और रेयरर से रिफ्लेक्ट होके गई तो फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ट्रांसमिटेड में तो वैसे भी नहीं होता है, समझ गए, हाँ सर, ओके okay. अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर, now this is page number 4, ab reflection of sound wave from denser and rarer medium, ha, reflection of sound wave,
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव. तो पहला है यहां पे फ्रॉम डेंसर मीडियम और फ्रॉम फिक्स्ड एंड. एंड दूसरा केस है यहां पे नाउ फ्रॉम रेयरर मीडियम और फ्रॉम ओपन एंड. ठीक है, ओपन एंड. तो फ्रॉम डेंसर मीडियम और फ्रॉम फिक्स्ड एंड. जैसे मान लो आप बांसुरी बजा रहे हो या कोई ऑर्गन पाइप बजा रहे हो, है ना. तो ये ऑर्गन पाइप सपोज इस तरह का है और यहां पर ये फिक्स्ड बाउंड्री हो गई. अब यहाँ पे है ना, दिस इज सम फिक्स्ड बाउंड्री. अब यहां से मान लो साउंड वेव जा रही है. सो दिस इज द इंसिडेंट साउंड वेव. मान लो साउंड वेव कैसे चलेंगी, कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के फॉर्म पे चलेगी. दिस इज कंप्रेशन एंड देन रियर फ्रैक्शन, है ना. तो दिस इज द इंसिडेंट वेव हियर. ये मान लो इंसिडेंट वेव है. दिस इज इंसिडेंट वेव. ये इधर जा रही है, यहां पे फिक्स्ड एंड है ये. ठीक है, दिस इज सम ऑर्गन पाइप आप बोल सकते हो. दिस इज द ऑर्गन पाइप. ओके, तो जब रिफ्लेक्शन होता है कहां पर से, डेंसर मीडियम से. तो बात ध्यान से समझना है इसमें. सिचुएशन ऐसी दे रहा हूं मैं कि अगर मान लो यहां पे बाउंड्री पे क्या पहुंचा, अगर यहां पर क्रिस्ट पहुंचा है, सॉरी कंप्रेशन पहुंचा है, तो रिफ्लेक्शन में भी कंप्रेशन ही आएगा कि रेयर फ्रैक्शन आएगा लौट कर. ये कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन. तो ये इंसिडेंट वेव हुई और दिस इज द इंसिडेंट वेव. और जब रिफ्लेक्शन होगा तो कंप्रेशन है, क्योंकि यहां जाके ये तो रुक गए, तो रुकेंगे तो फिर कंप्रेशन का कंप्रेशन ही रहेगा यहाँ पे. और रिफ्लेक्टेड वेव फिर आपको इस तरह से मिलेगी यहाँ पे. तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही रहेगा और रेयर फ्रैक्शन का रेयर फ्रैक्शन ही रहेगा. अगर कंप्रेशन गया तो कंप्रेशन से लौटेगी और रेयर फ्रैक्शन गया तो रेयर फ्रैक्शन से लौटेगी. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव हियर. ये कौन सी वेव हो गई यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड वेव हो गई. ये समझ गए, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. तो ये इंसिडेंट वेव है एंड ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये साउंड वेव के लिए. तो अगर क्लोज बाउंड्री है तो कंप्रेशन अगर टकराया है तो फिर कंप्रेशन से ही यहाँ पे वेव क्या होगी, लौटेगी. तो कंप्रेशन एंड देन रियर फ्रैक्शन एंड देन कंप्रेशन. समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए? यस सर. ठीक है, तो अगर कंप्रेशन गया फिर कंप्रेशन ही आया, मतलब क्रिस्ट था तो ट्रो गया था, या कंप्रेशन के बाद रियर फ्रैक्शन आता तो फेज डिफरेंस जीरो होता. यहां पर भी फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होता है, यहां पर भी फेज डिफरेंस पाई का क्रिएट हो रहा है. फेज डिफरेंस जीरो कब रहता, कंप्रेशन जाता और रियर फ्रैक्शन लौटता, तो फेज डिफरेंस जीरो का क्रिएट होता है. ठीक है ना. एंड देन यहां पे अगर रेयरर मीडियम है, जैसे आप ऑर्गन पाइप ले रहे हो और इधर से ओपन हो गया, यहाँ पे इधर पे भी एयर मीडियम हो गया और यहाँ पे मान लो ये वेव कुछ इस तरह से जा रहे हैं. दिस इज द ऑर्गन पाइप, ये एक ऑर्गन पाइप है. दिस इज द इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव है और ये मैंने ऑर्गन पाइप लिया जो इधर से खुला हुआ है. दिस इज ऑर्गन पाइप और ये फिक्स्ड एंड था, जबकि ये यहां पर कैसा, दिस इज ओपन एंड. तो जब ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान देना, तो अगर कंप्रेशन यहां पे स्ट्राइक किया है, दिस इज रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन. तो यहां पे फिर जब ये वेव लौटेगी तो चीजें बदल जाएंगी. यहां पे पहले रेयर फ्रैक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन. सो दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव. तो ये हो गई यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव और ये कौन सी यहाँ पे, दिस इज इंसिडेंट वेव. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो का क्रिएट होगा रिफ्लेक्टेड वेव और इसमें इंसिडेंट वेव में. ठीक है, समझ गए इतना.
हेलो समझ सर। हाँ बोलो सर, वो फेज डिफरेंस पार्ट में, फर्स्ट वाले में देख, तुम उसको एस्ट्रोट्रो के हिसाब से मत देखना, यहाँ पे बात अलग है, यहाँ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं, तो कंप्रेशन है और वापिस कंप्रेशन से ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल वेव दिख रही, दोनों आइडेंटिकल दिख रही ना पहले वाले केस में। हाँ सर, तो यहाँ पे कंप्रेशन गया फिर वापिस कंप्रेशन ही लौट रहा है, तो फेज डिफरेंस कितने का रहेगा, पाई का, लेकिन अपोजिट फेज पे आ गया ना, वेव पलट के मिल रही तुमको। और दूसरे वाले केस में कंप्रेशन आपको दिख रहा है कहां पे टकराते हुए, ओपन बाउंड्री पे, और पलट के क्या आ रहा है, वहां से रेयर फ्रैक्शन, मतलब ऐसा लग रहा है कि वेव तो कंटिन्यूअसली चल रही है, कंप्रेशन के बाद फिर रेयर फ्रैक्शन आया, जैसा था बिल्कुल वैसे चल रहा है कंटिन्यूअस ऑर्डर पे। तो हाँ सर समझ गया, अभी समझ गया। तो यहाँ पे हम फेज डिफरेंस को जीरो लेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ ना, कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन आ गया, तो ऑर्डर में कोई चेंज आया नहीं, तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ, जीरो का। पहले वाले केस में कंप्रेशन टू कंप्रेशन हुआ, इसलिए फेज डिफरेंस कितने का, यहाँ पे पाई का। तो इसमें ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडनल में कंफ्यूजन नहीं होना, ट्रांसवर्स में क्रेस्ट गया तो क्या आता था, फिक्स्ड एंड से ट्रो वापिस आता था, समझ गए। हेलो हाँ सर, और यहाँ पे फिक्स्ड एंड में कंप्रेशन गया तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन लौटेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं, ये एनी टाइम टी की कंडीशन है, अभी देख जैसे कंप्रेशन स्ट्राइक किया फिर थोड़ी देर बाद वहां पे रेयर फ्रैक्शन स्ट्राइक करेगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। हेलो यस सर, देन पेज नंबर 5 पे आते हैं। सर हाँ, ये डेंसर और रेयर एंड मीडियम में कौन सा डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या रहेगा? डेंसर और रेयर में यहाँ पर भी वही वेव की स्पीड वाला पार्ट है ना, डेंसर और रेयर मतलब यहाँ पे जैसे बाउंड्री फिक्स है, जैसे ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, अब मैं ये बोल रहा हूँ सीधा सीधा, तो वाइट बोर्ड से वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही, तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। हेलो यस सर, और अभी जैसे अपन बोल रहे हैं और दरवाजे से के पास से कुछ वेव दरवाजे से बाहर निकल जाएंगी और जहां पे दरवाजा है वहां पर से वापस लौट के आएंगी, अगर आपका दरवाजा खिड़की खुली है तो वो वाला कौन सा केस हो गया, ये ओपन एंड वाला हो गया। हेलो हाँ सर समझ गया, समझ गए, ये अभी मिटा दूं, मिटा दूं क्या? हेलो Now page number 5, page number 5, ठीक है। देखो अभी एक क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, एयर पे साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, पानी के अंदर साउंड की स्पीड सपोज कितना है, इट इज 1500 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो सपोज दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस इज द वाटर मीडियम, यहाँ पे मैं दो डायग्राम ले रहा हूं, एक डायग्राम ये, दिस इज सपोज नॉर्मल, और यहाँ पे ये साउंड वेव, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साउंड वेव की, जबकि दूसरे केस में मैं यहाँ पे अगेन इट इज नॉर्मल एंड दिस इज द लाइट वेव, दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे साउंड वेव स्ट्राइक कर रही है, दिस एंगल इज सपोज 30 डिग्री, यहाँ पर भी ये एंगल लाइट वेव के लिए 30 डिग्री है, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस मीडियम इज वाटर, ट्रांसमिटेड वेव के बारे में क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से, यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव कैसे होगी, साउंड की ट्रांसमिटेड वेव कैसी आएगी, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल वेव कैसी होगी। अच्छा, साउंड के लिए वाटर कौन सा मीडियम है, रेयरर की डेंसर, रेयरर रेयरर, हाँ, क्योंकि साउंड की स्पीड पानी के अंदर ज्यादा है,
तो यहां पर जब वेव आएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस एंगल इज थीटा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, हमें नहीं पता कितना आएगा, बट हम इसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं कितना आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये साउंड के लिए वाटर रेयरर मीडियम, क्योंकि वाटर में साउंड की स्पीड ज्यादा, लेकिन लाइट वेव के लिए इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना, तो यहाँ पे थीटा लेस देन 30 डिग्री। अरे समझ गए, लाइट के लिए वाटर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम, वो डेंसर मीडियम है। साउंड के लिए वाटर कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। एयर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो कौन सा मीडियम रेयरर है और डेंसर है वो स्पीड से पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी का जो फंडा है अपना कि भाई ये ज्यादा डेंस पार्टिकल है, यहाँ डेंस पार्टिकल कम है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम वेव के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि भाई किसी वेव के लिए कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है, तो वो किससे पता चलेगा, आपको स्पीड से पता चलेगा। समझ गए, हेलो, अरे समझ गए या नहीं, हेलो, यस सर, हाँ सर, नाउ दिस इज पेज नंबर 6। पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, मतलब प्रोग्रेसिव वेव में कितना पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये एक पार्ट है, मैं विदाउट कैलकुलेशन, जैसे ये कोई वेव है मान लो, अब ये वेव ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है, दिस इज द वेव स्पीड, ठीक है, ये इसकी वेव स्पीड है वेव की, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज सपोज ए, एंड यहाँ पे वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है ना, वेव की फ्रीक्वेंसी इज एफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेव स्पीड, एंड दिस इज कैपिटल ए इज हियर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है, तो ये टर्म मैंने लिखा। सो नाउ पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, मैं विदाउट प्रूफ यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन। सो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, देखो वेव की इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तुम्हें ध्यान होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज y ऑफ x t इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा t माइनस kx के फॉर्म में लिखोगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इट इज एवरेज पावर ट्रांसमिटेड। तो एक्चुअल में साइन का जो एवरेज होता है स्क्वायर ऑफ साइन का, वो 1/2 के फॉर्म में मिलता है, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, दिस इज 1/2 इंटू वन बाई टू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अच्छा वेव स्पीड स्ट्रिंग में जो वेव स्पीड होती है, इट इज गिवन बाय अंडर रूट टेंशन अपॉन रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इट इज रो अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक और फैक्टर यहां पे आ जाएगा इसमें, नाउ दिस इज टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय वेव स्पीड। तो हम क्या करते हैं यहां पे, टेंशन फोर्स को इलिमिनेट कर देते हैं। तो टेंशन फोर्स को अगर आप इलिमिनेट करोगे, दिस इज गिवन बाय वी डब्ल्यू स्क्वायर इंटू रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर सॉल्व करने पे कितना बचेगा, इट इज 1/2 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और ये टेंशन फोर्स को इससे इलिमिनेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका रो ए इंटू वेव स्पीड। सो रिमेंबर व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, 1/2 ओमेगा स्क्वायर फिर रो इंटू ए इंटू
vw into square of amplitude. तो इसको याद रखोगे, डेरिवेशन एससीबी में दिया हुआ है, बाकी बुकों में डेरिवेशंस नहीं है ना, स्टेट बोर्ड में भी नहीं, सीबीएसई में नहीं, बट आप इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना. इट इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव एंड व्हाट इज रो, रो इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, इट इज डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड ए क्या है यहाँ पे, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बाकी सिंबल्स सब अपनी यूजुअल मीनिंग पे, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज 2 पाई एफ और बाकी टर्म तो है ही फिर. तो जो एवरेज पावर होता है, देखो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी ऑफ मीडियम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितने क्रॉस सेक्शन से आप वेव के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, ठीक है ना, वेव स्पीड क्या है और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कितना. ये मैंने ट्रांसवर्स वेव के लिए लिखा है, बट ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी वैलिड है, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव. ये मैंने लिखा हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, सॉरी ट्रांसवर्स वेव के लिए, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव उसके लिए भी ये वैलिड है. मतलब मैकेनिकल वेव का जो पावर ट्रांसमिशन है उसको आप इस इक्वेशन से बता सकते हो कि हाँ इस इक्वेशन से मैकेनिकल वेव के पावर को आप लिखते हो, ठीक है ना, चाहे वो साउंड वेव हो या वेव ऑन स्ट्रिंग हो या कोई भी मैकेनिकल वेव हो, उनके पावर को आप इस तरह से लिखोगे, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय मैकेनिकल वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे समझ गए, याद रखना फार्मूला याद रखना, यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला ध्यान रखोगे. और अब मैं इंटेंसिटी की बात कर लूं, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लूं, फिर इंटेंसिटी की हम बात कर लेते हैं यहीं पे. सर हो गया, हाँ बोलो सर, वो एरिया क्रॉस सेक्शन जहां से ट्रांसमिट हो रही है, जहां से निकल रही है, उसकी उसका एरिया क्रॉस सेक्शन. हाँ, ये मतलब जो वेव जैसे इतनी जगह है ना, मान लिया आप इतनी जगह को इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे जहां से वेव जा रही है, तो ये जो पोर्शन है दिस इज दियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है सर. तो फिर उसकी रेडियस बहुत कम आएंगे ना, वेव की नहीं, ये कोई स्ट्रिंग की रेडियस नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है, ये मीडियम हम ले रहे हैं जहां पर का हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, जितनी जगह पे आप वेव को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है सर. ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट पे इस पेज का, ले लिया सर. देखो अभी है पेज नंबर सेवन, इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव पावर की जगह में, या एवरेज इंटेंसिटी ऑफ वेव. तो देखो जैसे मान लो यहां पर ये मैंने एक ये क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और यहां पर मान लो कोई वेव ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, इस जगह से मान लो कोई वेव ट्रांसमिट हो रही है, आप लॉन्गिट्यूडनल ले लो या फिर ट्रांसवर्स वेव ले लो, जैसे ये क्रेस्ट एंड ट्रो वाली वेव हमने ले ली, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, यहां पे कितनी इसकी इंटेंसिटी है, तो इसका जो पावर है, जो एवरेज पावर है, इट इज गिवन बाय 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो इनटू ए इनटू वेव स्पीड इनटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, समझ गए ना. तो जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, सो दिस इज देयर एम्पलीट्यूड, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज वेव स्पीड, यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी रो है और जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो दिस इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड हियर. तो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज गिवन बाय एवरेज पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी. और बिल्कुल और तोड़ दो यहां पे, पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम.
यही होता ना इंटेंसिटी का मतलब, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, क्योंकि एवरेज पावर आपका ये पावर 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो इनटू ए वी डब्ल्यू वेव स्पीड इन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया ए, इसे ए कट गया. सो इंटेंसिटी का जो टर्म आया दिस इज गिवन बाय 1/2 ओमेगा स्क्वायर रो वी डब्ल्यू एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इसलिए तुम्हें ध्यान होगा जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये टर्म तो फिक्स हो गए, ये टर्म आपके फिक्स हो गए, फ्रीक्वेंसी मीडियम की डेंसिटी वेव स्पीड, तो बचता क्या है एम्पलीट्यूड वाला टर्म. तो हम क्या लिख देते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अभी समझ गए नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर. अगर हम फ्रीक्वेंसी और इन सबको कांस्टेंट मान ले किसी पर्टिकुलर वेव के लिए, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है. क्लियर हो गया? ये ट्रांसवर्स के लिए भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के लिए. तो इसलिए हम लिखते हैं कि भाई इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ सर. ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे. तो एवरेज पावर भी किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के. पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव. देखो जो प्रोग्रेसिव वेव होती है ना वो एनर्जी. यस सर. साउंड वेव वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ. ये छोटे छोटे टॉपिक हैं. इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वेव. हाँ ये मिटा दू ना. Now page number 8, intensity level of sound wave. Intensity level of sound wave. ठीक है. Intensity level of sound wave को logarithmic scale में calculate किया जाता है. ठीक है. इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वेव इसके लिए दूसरे टर्म को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज इंटेंसिटी लेवल, बता रहा हूं यहां पे, या लाउडनेस एंड इंटेंसिटी. इंटेंसिटी लेवल, वन मिनट. हाँ या फिर साउंड लेवल, एंड साउंड लेवल इज डिनोटेड बाय beta is equals to 10 log to the base 10 of I divided by I naught. ये intensity level होता है sound wave के लिए. ये formula है. ठीक है, याद रखना पड़ेगा. और इसकी unit क्या आएगी? It is measured in decibel. Decibel के लिए symbol क्या use करते हैं? dB. तो जो साउंड लेवल होता है उसको किसमें मेजर करते हैं? डेसीबल में. ये इसकी ऐसा यूनिट है साउंड लेवल को मेजर करने की. इंटेंसिटी को मेजर करने की अलग यूनिट होती है. इंटेंसिटी को किसमें मेजर करोगे? इंटेंसिटी इक्वल्स टू होता आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. लेकिन जो साउंड लेवल होता है उसको किसमें मेजर किया जाता है? इंटेंस डेसीबल में मेजर किया जाता है, जिसके लिए सिंबल स्मॉल डी इनटू कैपिटल बी है. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर बी. अब मैं ये तो फिक्स है 10 लॉग टू द बेस 10 आई. आई मतलब हो गया इंटेंसिटी ऑफ गिवन साउंड. जिस साउंड का लेवल आप देख रहे हो उस साउंड की इंटेंसिटी कितनी है. एंड आई नॉट क्या है? इट इज इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड. इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड. रेफरेंस साउंड मतलब एक पॉइंट को आप, एक इंटेंसिटी को आप क्या मान लोगे? रेफरेंस इंटेंसिटी मान लोगे. इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस साउंड और रेफरेंस इंटेंसिटी. रेफरेंस
इंटेंसिटी, ये फिक्स होता है, दिस इज द रिफरेंस इंटेंसिटी, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू होता है 10 to the power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स है रिफरेंस इंटेंसिटी। तो जब भी आपको किसी साउंड का लेवल जानना है, तो ये तो फिक्स डेटा हो गया 10 to the power minus 12 यहाँ पे, तो बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 10 log to the base 10 ऑफ आई डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 12। तो किसी साउंड की इंटेंसिटी आपको डेसीबल में नापना है, तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो आंसर किस में आ जाएगा, आपका डेसीबल में आ जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? मिनिमम ऑडिएबल साउंड 0 डेसिबल, और जो साउंड पॉल्यूशन होता है ना टॉलरेंस वाला, अगर मान लो बीटा ग्रेटर देन 120 डेसिबल आ गया, तो फिर ये किस कैटेगरी में आता है, दिस इज इन साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन सुना है कि नहीं सुना है? अरे साउंड पॉल्यूशन सुना है? Yes. तो अगर इंटेंसिटी लेवल या फिर साउंड साउंड लेवल अगर 120 डेसिबल से ज्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि ये किसमें चला गया, ये कौन सी रेंज में आ गया है, साउंड पॉल्यूशन की रेंज पे। इससे ऊपर, इससे कम है तो हमारे कान क्या करते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं, पीसफुल रहता है ना। नॉर्मल टॉक मतलब नॉर्मल बातचीत में कितना साउंड लेवल होता है, दैट इज ऑफ 60 डेसिबल, और अगर ये 120 डेसिबल के ऊपर चला गया, तो फिर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में ये आ गया है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए क्या?